जैसे ही हम क्रिसमस के बारे में सोचना शुरू करते हैं, शायद इस सप्ताह हमारे लिए सोचने का भी समय है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में और वो भी बैतलहम के उस अस्तबल में क्यों भेजा। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बाइबल में लिखा है, ये समझने के लिए कि बेहतर कौन है कि वो तब क्यों आया, स्वयं यीशु ने कहा, यूहन्ना उसका 3 अध्याय पहले 4 शब्दों में, फरीसी संप्रदाय का एक मनुष्य था जिसका नाम निकोदेमुस था। वो यहूदियों का एक धर्म गुरु था। वो रात में यीशु के पास आया और बोला, गुरुजी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए हैं। आप जो आश्चर्यजनक चिन्ह दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर के साथ ना हो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई ऊपर से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इसलिए इस चमत्कारी पुरुष से आकर्षित होकर निकोदेमुस अंधेरे की आड़ में उसकी जांच करने के लिए आता है, ऐसा ना हो कि कोई उसे देख ले, क्योंकि यीशु पहले ही एक विवादास्पद व्यक्ति था। वो इन अद्भुत चमत्कारों और परमेश्वर से उसके संबंध के बारे में पूछने से बातचीत शुरू करता है, लेकिन तुरंत यीशु ने इस बातचीत का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया इस प्रतिक्रिया के साथ, मैं आपसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई ऊपर से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। इसका क्या मतलब है? निकोदेमुस एक सम्मानित नेता था। वो वास्तव में एक गंभीर व्यक्ति था जो उस व्यक्ति के बारे में अधिक जानना चाहता था जिसे परमेश्वर ने भेजा है, और फिर भी यीशु ने उसे ऐसा उत्तर दिया। शायद निकोदेमुस को उत्तर देते हुए यीशु ने महसूस किया कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी, और वास्तव में ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ ये समझाने लगता है कि वो क्यों आया, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। लेकिन प्रवेश की एक सख्त शर्त है। प्रवेश करने से पहले आपको दूसरा जन्म लेना होगा। इसे आप चाहें तो पुनर्जन्म कह सकते हैं। तो क्या आपका पुनर्जन्म हुआ है? क्योंकि जब तक कोई ऊपर से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके।